अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान के साए में। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम अलमदनी हफ़िज़हुल्लाह, वकील कुल्लियतुश शरिया जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगांव। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं फजीलतुश शेख सरफराज फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, दाई और मुबल्लिग सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई। आज जो मौजू लेकर के हम इस मजलिस में हाजिर हुए हैं वो है लैलतुल कद्र, जिसको कहते हैं इज्जत वाली रात, या जिसको हमारे उर्दू में कहते हैं शबे कद्र। बहुत अहम उनवान है और बहुत बेहतरीन मौजू है ये लैलतुल कद्र, जिसमें फरिश्ते कतार अंदर कतार उतर रहे हों और नूर की किंदिलें बिछी जा रही हों और रहमतों के दरवाजे चौपट खोल दिए गए हों। इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफादा करने के लिए हमने आज की ये मजलिस रचाई है। और इसका पहला सवाल यही है कि लैलतुल कद्र या शबे कद्र या इज्जत वाली जो रात है उसकी क्या फजीलत है। आइए ये बात हम समझते हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम अलमदनी हफ़िज़हुल्लाह से। शेख, फजाइल क्या हैं शबे कद्र के? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमारे ऊपर जो बेशुमार नेमतें हैं उन्हीं नेमतों में से एक बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौके देता है नेकियाँ कमाने के। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कभी भी करें ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और उस इबादत का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बहुत बड़ा है। लेकिन कुछ मौके अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ऐसे देता है जो आप कह सकते हो आफर के तौर पर कि उनमें नेकियों का मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे मौके हैं, उन्हीं मौक़ों में से एक मौका है लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए एक आफर, एक हदिया, एक तोहफा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लैलतुल कद्र के बारे में कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र। ये पूरी सूरत को अगर आप देखेंगे तो लैलतुल कद्र की अहमियत आपको पता चलेगी। इसमें जो सबसे अहम बात इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई है लैलतुल कद्र की फजीलत और उसकी अहमियत के बारे में कि लैलतुल कद्र के अंदर ये कुरान जो कि किताब हिदायत है पूरी इंसानियत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको लैलतुल कद्र के अंदर नाजिल फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे शौक को बढ़ा रहा है, करा तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र क्या है। गोया यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के तारुफ के लिए लैलतुल कद्र को जरिया बनाया। जी बिल्कुल जी, कि मतलब लैलतुल कद्र का हवाला दिया, जैसे हम चीजों का हवाला देते हैं किसी के तारुफ। वो कुरान जिसके जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब है अपने बंदों से, जी कुरान ही के जरिया से मुखातब है अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ही का कलाम है जी, जी। वो इस लैलतुल कद्र के अंदर नाजिल हुआ, कितनी अहमियत है उसकी। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र यानी कद्र की रात जो है ये हजार रातों से बेहतर है। हजार रातों से बेहतर होने का मतलब ये है कि अगर हजार रातें आप इबादतें करें जी तो इस रात के बराबर नहीं हो सकती है। अल्लाह हू अकबर, वो रातें हजार रातें जिनमें लैलतुल कद्र नहीं है उनकी इबादत इस एक रात की इबादत से बेहतर नहीं हो सकती। इस एक रात की इबादत हजार रात की इबादत। आपने जो मौका की बात कही, इतना बड़ा मौका अल्लाह तबारक तआला ने दे दिया कि सिर्फ एक रात, सिर्फ एक रात, सिर्फ एक रात की इबादत अगर आपने वो रात पा ली और उस रात इबादत कर ली तो एक हजार रात की इबादतों से बेहतर है ये रात। यहाँ पर एक नुक्ता बहुत अहम है कि एक हजार रात की इबादतों से बेहतर होने का मतलब क्या है। एक होता है अजर में बेहतर होना, एक होता है इज्जा किफायत करना। तो इस तरह के जितने भी अहकाम है बहुत जगहों पर आपको मिलेगा कि फलां इबादत इतने इबादतों से बेहतर है, जैसे सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है जी जी। तो ये अजर में बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने तीन बार अगर सूरह इखलास पढ़ लिया तो गोया कि पूरा कुरान पढ़ लिया, इसी को किफायत, हाँ, इसी को किफायत का मतलब ये काफी नहीं होगा, वो काफी नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप और दिनों इबादत ही ना करें, सिर्फ आकर के एक रात में आपने इबादत कर ली तो आप सोच रहे बस अब तो लैलतुल कद्र मिल गई, अब तवज्जो देने की जरूरत नहीं। एक हदीस है कि अगर किसी ने मस्जिद कुबा में जाकर के दो रकात नमाज पढ़ी तो उसको उमरे का सवाब मिलेगा,
तो अब इसका मतलब नहीं कि उसने उमरा कर लिया, उमरे का अज्र मिलेगा, उमरा के लिए काफी नहीं है। यानी ये भी नहीं कि फिर अब वो उमरा ना करे सोच के कि मैंने तो ये अगर कोई आदमी एक रात की इबादत करके समझ ले रहा है कि मैंने 1000 रात इबादत किया, तो 1000 रात इबादत नहीं किया, अज्र तो उसको मिल गया लेकिन उसकी इबादत एक ही रात की है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है, उस रात की फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बदले में उसको 1000 रात का सवाब दिया। और एक जो है इस बात एक तरह एक चीज ये भी नाजरीन को समझनी चाहिए कि मोमिन बंदा जो है वो कोई भी नेकी करके ये नहीं सोच सकता कि चलो अब मैंने कर लिया हो गया। ईमान वालों का मामला ये होता है कि वो नेकी करके इस बात से डरे रहते हैं कि पता नहीं हमारी नेकियां कबूल हुई भी कि नहीं हुई। जी, जी, जी। तो ये सोच करके अच्छा चलो रमजान में तो हमने लैलतुल कद्र में इबादत कर ली थी तो अब नेकियां बहुत सारी हो गई हैं तो अब इधर गुनाह करते हैं, ये तसव्वुर नहीं होना चाहिए। यानी मोमिनों की अलामत ये अल्लदीना यूतूना मा आतौ वकुलूबुहुम वजिला, वो तो जब इबादत ढंग से करेगा तो फिर वो नूर की वो कैफियत उसके दिल में आ जाएगी कि फिर वो बात ही नहीं ख्याल होगा, वो ये नहीं सोचेगी चलो हो गया। इस बात का डर लगा रहना चाहिए कि पता नहीं हमारी इबादतें कबूल हुई कि नहीं हुई, इसका ये डर लगा रहना चाहिए, ना ये कि आदमी उस पर तकिया करके बैठ जाए आराम से। यानी बात सलफ के बारे में आता है कि रमज़ान ख़त्म जब होता था और ईद का दिन होता था तो वो ये कहते थे कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक सजदा भी मेरा कबूल हो गया है तो मैं खुश हो जाऊँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि अल्लाह ताला मुत्तकियों की इबादत कबूल करता है। तो एक सजदा भी अगर कबूल हो गया इसका मतलब मैं मुत्तकी हूँ, और मुत्तकियों के लिए क्या है जन्नत है, यानी अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए जन्नत बनाई है। और बात सलफ के बारे में ये आता है कि वो बाकायदा जो है इबादत करने के बाद 6-6 महीने तक, जो शेख ने शुरू में भी फरमाया था कि 6-6 महीने तक दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल करे रमज़ान में, खास तौर पर लैलतुल कद्र में भी और पूरे रमज़ान में भी। इस तरफ भी दुआओं में ये बात भी रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल कर ले रमज़ान में भी, रमज़ान के अलावा भी। देखिए बात सलफ के बारे में आता है ना कि वो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस दुआ से गुजरते तो बेतहाशा रोते थे। कौन सी दुआ? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि अल्लाह ताला तू कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला। आप ये सलफ कहा करते थे कि अल्लाह का खलील अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं। कौन कर रहा है? अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम, अल्लाह के खलील, इतना बड़ा मर्तबा, हुक्म किसने दिया तामीर करने का? अल्लाह ने दिया। किसका घर तामीर कर रहा है? अल्लाह का। फिर भी डरा हुआ है कि पता नहीं अल्लाह ताला की हमारी इबादतें कबूल हो रही कि नहीं हो रही। तो इसलिए ये मिजाज नहीं होना चाहिए कि हमने कर लिया कबूल हो गई, करने के साथ साथ मुस्तकिल इस बात के लिए फिक्रमंद भी रहना चाहिए कि हमारी इबादतें कबूल भी हो जाए अल्लाह के यहाँ, और डरा रहना चाहिए, डर नहीं निकलना चाहिए दिल से, बल्कि ईमान वाला बंदा जितना नेकियों में आगे बढ़ता है उसका डर कम नहीं होता है और ज्यादा हो जाता है। इसीलिए बाज़ सलफ ने कहा है कि मोमिन का ईमान जो है चिड़िया के दो परों की तरह से है, एक जो है खौफ है एक रजा है। खौफ का मतलब जब आप इबादत करें तो आपको खौफ होना चाहिए कि इबादत मेरी कबूल हुई कि नहीं हुई, और उसके लिए जब आदमी को खौफ होगा तो आदमी दुआ करेगा कि अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल कर। और रजा मतलब उम्मीद, आपको ना उम्मीद नहीं होना चाहिए कि नहीं हुई, आपको ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन कामिल होना चाहिए कि इंशा अल्लाह मेरी इबादत कबूल हुई होगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि अना इन द ज़न्न अब्दी बी, कि बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसको वैसा ही देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसकी रहमतों के बारे में हमेशा पॉजिटिव और मुस्बत होना चाहिए, उम्मीद भी। जज़ाकल्लाहु खैर। नाज़रीन अभी शेख जो बता रहे थे कि एक रात की इबादत का 1000 रात से अफजल होने का मतलब यह है कि अजर व सवाब उसका मिलेगा, जैसे बहुत सारी रिवायतों में मौजूद है कि आदमी फला अमल करेगा तो उसको हज का जो है अजर है। तो मतलब यह नहीं है कि किसी पर हज फर्ज है तो अब वो अमल कर लिया उसने तो उसको हज नहीं करना है। तो यही शेख के काफ़ी कहने का या किफ़ायत कहने का या इज्जा कहने का मतलब है कि उस रात में अजर व सवाब उतना मिलता है कि 1000 रात में कोई इबादत करे तो उसको अजर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है कोई अब इबादत ही छोड़ दे और रातों में कोई इबादत ही वो ना करे। जज़ाकअल्लाह खैर शेख। आगे जो आप बयान कर रहे थे अभी वो हम सुनते हैं। लैलतुल कद्र की फजीलत में हमने कुरान करीम की एक छोटी सी सूरत बताई जिसमें है कि लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फ शहर। इस सूरत के अंदर और भी बहुत सारी फजीलतें हैं, इंशाअल्लाह अगर इस सूरत की तफसीर या उसका तर्जमा हमारे नाज़रीन पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उन्हें बखूबी अंदाज़ा होगा, वरना अगर हम उसमें गए तो हमारी बात लंबी हो जाएगी। लैलतुल कद्र की फजीलत के सिलसिले में बुखारी की रिवायत है, गालबन वो मुस्लिम के अंदर भी है, कि मन कामा लैलतुल कद्र ईमान व एहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़न्बी। अगर लैलतुल कद्र का क़याम ईमान और एहतिसाब के साथ आपने किया तो आपके पिछले सारे गुनाह
माफ कर मासेवल कबायर जी मासेवल कबायर कबायर के अलावा जितने भी आपके सगायर हैं सब माफ कर दिए जाएंगे। और कबायर के माफ किए जाने का भी तरीका मैं बताता हूँ कि आपके कबायर भी उसी दिन माफ हो जाए सब कुछ जी। आप एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन से लव लगा करके तोबा कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं गुनहगार हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ये अहद करता हूँ कि आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, मुझे बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बार आप इखलास के साथ तौबा कीजिए, आपके कबायर सगायर सब माफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये लैलतुल कद्र की फजीलत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आमाल हैं लैलतुल कद्र में करने के उनको अगर आप देखेंगे तो अंदाजा होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ज्यादा अहमियत देते थे लैलतुल कद्र को। जज़ाकअल्लाह खैर। शेख, अब लैलतुल कद्र पे जो बात चल ही रही है कि उसकी इतनी फजीलत है, तो अब ये भी सवाल आता है ना हमारे नाज़रीन के ज़हनों में कि अब वो किस रात है जो कद्र वाली रात है, क्या वो सारी रातें कद्र की हैं या उनमें से कोई एक रात कद्र की है, क्या है वो? सबसे पहली बात तो ये कि लैलतुल कद्र ये रमजान में है जी, जी। माहे रमजान तो, माहे रमजान से बाहर लैलतुल कद्र है। ये कैसे पता चला कि माहे रमजान के अंदर है लैलतुल कद्र? हमने जो अभी सूरत पढ़ी इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया, कुरान रमजान में नाजिल हुआ और कुरान रमजान में नाजिल हुआ था, उसकी दलील क्या है? शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान में कुरान नाजिल हुआ था, इससे पता चला कि लैलतुल कद्र ये रमजान के महीने में है। अब अगला सवाल ये आ सकता है कि रमजान के महीने में है तो कब जी, है ना? इसके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इब्तगूहा फिल अशरिल अवाखिर, अवाखिर लैलतुल कद्र रमजान के आखिरी अशरे में उसको तलाश करो। आखिरी अशरा मतलब आखिर की जो 10 रातें हैं उनमें उसको तलाश करो। अब क्या उन 10 रातों में हमको तलाश करना है? उसके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तहर्रौ लैलतुल कद्र फिल वित्र मिन अल अशर अल अवाखिर जी, ये जो रिवायतें मैं जिक्र कर रहा हूँ ये सब बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं जी। लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, गोया कि आखिर की जो 10 रातें हैं उनमें से जो ताक रातें हैं उन्हीं में से कोई एक लैलतुल कद्र है। ताक रातें कौन कौन सी हैं? 21वीं की रात, 23वीं की रात, 25वीं की रात, 27वीं की रात और 29वीं की रात, ये ताक रातें हैं। इन ताक रातों में हमें लैलतुल कद्र को तलाश करना चाहिए। बाज सलफ का ये भी कहना है कि वो बाकायदा जो 10 रातें हैं उन 10 रातों को में वो तलाश करते थे जी। बल्कि शेखुल इस्लाम इब्नुल कईम रहमतुल्लाह रमजान को जी शेखुल इस्लाम इब्नुल कईम रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि वो पूरे रमजान कहते थे अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस साल लैलतुल कद्र है तो मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं पूरे साल उसको तलाश करूँ। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए मोमिन को कि वो 10 रातें वो तलाश करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे उन 10 रातों में। जज़ाकअल्लाह खैर। तो अभी आपने जो बताया ना कि और जो मोमिन अगर हदीस होगा नेकी का और उसको उसकी अहमियत पता होगी तो 10 रातें इबादत उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। बाद में तो एक मिजाज ये बन जाता है ना, लोग ये सोचते हैं इस रात में कर लिया अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा, तो भाई आपने इबादत अजर तो मिलेगा ही, आपका अजर थोड़ी जाया होगा। अगर वो लैलतुल कद्र नहीं भी है तो आपने रमजान में और आखिरी अशरे में और रातों में, जिसके बारे में ये आता है कि सबसे अफजल जो है अशरा रमजान का आखिरी अशरा है, बाज़ ने कहा कि ज़िलहिज्जा का पहला अशरा है और बाज़ लोगों ने कहा कि ज़िलहिज्जा के पहले अशरे के दिन अफजल हैं और आखिरी अशरे की रातें सबसे अफजल हैं, तो अफजल तरीन रातों में आपने इबादत की, तो अगर मान लीजिए कि वो लैलतुल कद्र नहीं भी थी तो ऐसा तो नहीं कि आपकी इबादतें ज़ाय हो गई। ये बात जाननी चाहिए कि लैलतुल कद्र को जो तलाश करने के लिए कहा है कि जो रातें हैं 10 उनमें से जो 5 हैं, तो वो 5 अगर आप जाग रहे हैं तो कोई एक ही रात होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो रातें बल्कि 10 रातें जागनी चाहिए, उस पर तागीद करनी चाहिए। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल कमर कस लेते थे, खुद भी जागते थे, अपने घर वालों को भी जागते थे। कम से कम अगर कोई 5 ही में जागता है और वो ये ना सोचे कि भाई बाकी जो है तो उसकी इबादत का कोई मतलब नहीं है, सबका अजर है, बस ये है कि वो एक रात जब मिलेगी तो वो 1000 महीनों से अफजल है। तो शेख, अभी जो गुफ्तगू चल रही थी हमारी, ये आपने बताया कि वो आखिरी 10 रातों में है, फिर उन आखिरी 10 रातों में वो जो 5 रातें आपने भी गिनाई, अब हाँ ताक जो रातें हैं, अब उन 5 जो ताक रातें हैं उनमें एक मौकफ ये मिलता है और बड़ी कुव्वत के साथ उसका जिक्र किया जाता है, और हम लोगों ने भी अपने महदूद मुताले में जो देखा है कि बहरहाल 27वीं के मुतालिक कुछ रिवायतें ज़रूर हैं, तो आखिर क्या मसला है, क्या 27वीं मुतायन है या कुछ अखस है, कुछ ख़ास बात है उसकी? देखिए 27वीं रात के बारे में असलाफ से बाज अकवाल मिलते हैं, उनमें से जो सबसे कवी कौल है मैं उसका जिक्र करता हूँ आप लोगों के सामने। उबई बिन काब
ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، انہوں نے قسم کھایا کہ 27ویں کی رات کو جو ہے لیلۃ القدر ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کی بنیاد پر بعض دوسرے اسلاف کا قول بھی ہے کہ 27ویں کی رات زیادہ اہم ہے اور اس میں زیادہ امید ہے، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کچھ اور راتیں بھی گنائی۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت کا مفہوم کیا ہے، جو عبید بن کعب کی روایت ہے۔ ایک روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لیلۃ القدر کو دکھایا گیا، یعنی بتایا گیا کہ فلاں رات میں ہے، پھر میں بھول گیا اس کو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، پھر میں بھول گیا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ اس دن بارش ہوئی تھی، زمین گیلی تھی، میں پانی اور کیچڑ میں نے سجدہ کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے صبح کے دن فجر کے بعد دیکھا کہ آپ کے ماتھے پر مٹی لگی ہوئی تھی، حقیقت میں اس رات بارش ہوئی تھی اور کیچڑ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ کی وجہ سے مٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ 21ویں کی رات تھی۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ 21ویں کی رات تھی، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بار بتایا گیا کہ لیلۃ القدر فلاں رات میں ہے، وہ 21ویں کی رات تھی، کیونکہ آپ نے جو علامت بتائی وہ علامت ایک صحابی کو یاد تھی، انہوں نے بتایا۔ اب اس روایت کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبید بن کعب کا جو قول ہے وہ کسی خاص سال کے بارے میں ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر ایک ہی رات میں نہیں ہوتی کہ ہر سال اسی رات کو آئے، گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے انہوں نے یعنی ایک صحابی نے دیکھا اور نشانی ملی 21ویں والی رات ٹھہری، ایسے ہی جن صحابی نے 27ویں کہا ہے، گویا کسی سال ایسا بھی ہوا ہوگا کہ وہ 27ویں رہی ہوگی، جی بالکل، انہوں نے اس کو روایت کیا، تو اس طریقے سے اختلاف ہوا۔ ہاں جی، انہوں نے گویا کہ کسی ایک خاص سال کے بارے میں بتایا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جی، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ رات بدلتی رہتی ہے، کبھی ہو سکتا ہے 21 کو ہوتی ہو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، اس طرح بدلتی رہتی ہے۔ قرآن تو کسی ایک ہی رات میں نازل ہوا ہوگا نا، تو بدلتی کیسے رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، تو قرآن کا لیلۃ القدر رہا ہوگا۔ ہاں، اس بار لیلۃ القدر رہا ہو، اس بار قدر کی رات وہی رات رہی جس رات میں قرآن اترا۔ جی، یہ اشکال کیونکہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ دیکھیے، 10 ہی راتیں تو ہیں، میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں 10 ہی راتیں تو ہیں، آپ ان اختلافات میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ وہ 10 ہی راتیں ہیں، اور ابھی جو میں نے دو روایتیں ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وتر اور طاق راتوں میں تلاش کرو، کیا 10 راتیں ہمیں بھاری پڑ رہی ہیں؟ اگر ہم وہ 10 راتیں جا کر کے عبادت کر لیں، کیا یہ کوئی بہت بڑا؟ میں اپنے ناظرین سے آپ ہی کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ نے کہا کہ 10 ہی راتیں تو ہیں، دیکھیے جب ہم کوئی چیز پانا چاہتے ہیں، کوئی ٹارگیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارا مقصد ہوتا ہے، تو اس مقصد کے لیے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو کر ڈالتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ نہیں وہ چیز نظر انداز کر دو اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ مقصد جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے سب کو سمیٹ کے چلتے ہیں۔ تو جب یہاں اختلافات ہو رہے ہیں کہ 27ویں کو ہے، 21ویں کو ہے، فلاں کو ہے، فلاں کو ہے، لیکن ہے انہیں دسوں میں، تو ایک مومن کا کام ہوگا، ایک دل والے بندے کا کام یہی ہوگا کہ ان دسوں کو وہ سمیٹ کر کے چلنا چاہے گا، تاکہ وہ رات کسی بھی حال میں چھوٹنے نہ پائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے نا، چھپا دی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ بھی بندوں کا شوق دیکھنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا تو ظاہر کر دیتا، پر چھپی بھی اللہ کی حکمت سے چھپی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی شوق دیکھنا چاہتا ہے بندوں کا، کہ بندوں کا شوق کتنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اتنی بہترین رات ہے اور اتنے اجر والی رات ہے، تو سوال یہ ہے نا کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا کیا کرنا چاہیے، اتنی پیاری رات ہے، اتنا سارا ثواب ہے، اتنا سارا اجر ہے، تو کیا کیا ہم کر ڈالے کہ اللہ کے ہم مقبول ہو جائے؟ تو شیخ یہ بتائیں ذرا سا اعمال کیا ہونے چاہیے۔ دیکھیے، آپ کے سوال کے جواب کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہے نا، ہمیں تو یہی جاننا ہوگا کہ جب یہ رات اتنی فضیلت والی رات تھی، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منقول ہے کہ آپ یہی کرتے تھے؟ اگر آپ یہی کرتے تھے تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار باندھ لیتے تھے۔ جی جی، کچھ علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے، کچھ نے یہ بھی کہا کہ چونکہ جب کسی کام کے لیے آپ تندہی سے تیار ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ شد دم ازر ہو، کمر باندھ، کمر کس لیا جیسے کہتے ہیں۔ تھوڑا اشارے میں چلیں گے کیونکہ ہمارے ناظرین کا وقت جو ہے بہت کم ہے۔ اور احیا لیلہ، رات جاگتے تھے، اور ای قضا اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اور اس میں دعا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ کان یجتہد فیہا ما لا یجتہد فی غیرہا،
इबादत में इतनी मेहनत करते थे जितनी मेहनत आप कभी नहीं करते थे। शेख खुलासे के तौर पे क्या ऐसा कह सकते हैं कि जितनी सारी इबादतें आप रमजानुल मुबारक के महीने में करते थे वो सारी इबादतें आप आखिरी अशरे में बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी कसरत के साथ करते थे। और एक और रिवायत का मैं जिक्र कर दूं, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे पता चल जाए कि आज की रात लैलतुल कद्र की है तो मैं क्या दुआ मांगू। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दुआ ये मांगो, कहो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफवा फअफु अन्नी। अल्लाह ताला तू बख्शने वाला है, तू बख्शित को पसंद करता है, तो मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। जज़ाकअल्लाह खैर। क़याम के बारे में क्योंकि खुसूसी हदीस है, मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानो वे जिसामत, तो क़याम बहुत ज्यादा करनी चाहिए। खासतौर पर जो हमारे नाज़रीन हैं, अगर कोई मस्जिद के जिम्मेदारान है तो उनको तवज्जो देनी चाहिए कि लैलतुल क़द्र में खासतौर पर क़याम जो तरावी पढ़ते हैं वो लंबी हो, और अगर इसकी गुंजाइश ना हो तो ये भी करना चाहिए कि आम लोगों के लिए आप एक तरावी जो मामूल के मुताबिक एक पारे की होती रखें, और दूसरे लोग जो शौक से लंबा क़याम करना चाहते हैं उनके लिए दो पारा तीन पारा का अलग से इंतजाम कर दे तरावी पढ़ने का, कि लोग उसमें भी शामिल हो जाएं जो इस्तेदात रखते हैं क़याम करने। गोया खुलासा यह हुआ कि तमाम इबादतों को कसरत से करना चाहिए, शिद्दत से करना चाहिए और मजीद तवज्जो से करना चाहिए सारी इबादतें। आइए बस इस सिलसिले का एक आखिरी सवाल और हो जाए। बड़ा हालांकि इख्तलाफात होते रहते हैं इस मसले में कि शब कदर में जो तकरीरों का मसला चलता रहता है, तो एक तो जानिब उसका फ़िक़ी है और फिर एक जानिब और उसका यह है कि मतलब इसमें जो शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो दोनों जवानिब के हवाले से जो है हम आप दोनों से पूछना चाहेंगे। सबसे पहले शेख फ़िक़ी हुक्म इसका बता दें मुख्तसर अंदाज में। देखिए जैसा कि मैंने इससे पहले वाले सवाल के जवाब में अर्ज़ किया कि हमें वो करना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे जी। अब इबादत का अगर आप आम मफहूम लेंगे तो हमारा हर काम इबादत है अगर हम खुलूस नीयत के साथ करें। लेकिन ये देखना चाहिए कि रमजान तकरीरें करना भी इबादत है, और इसी तरह से मुज़ाकरा इल्मिया करना इबादत है, किसी को वाद नसीहत करना इबादत है, लेकिन इबादत का वो आम मफहूम यहाँ पर नहीं है जो रमजान में। तो हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबे किराम से असलाफ से ये कहीं भी साबित नहीं है कि मस्जिदों में महफिलें लगा करके वो तकरीरें करते थे, बल्कि वो नमाजें पढ़ते थे, दुआएं करते थे, जिक्र व अज़कार करते थे। इसलिए ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमें इनसे परहेज करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता आपको अगर ऐसा लगे कि चंद नसीहती कलमात आपने किसी को कह दिए, या बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती, आपने बैठ करके कुरान उनको सुना दिया, तो मेरे ख्याल से इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। लेकिन बाकायदा लैलतुल कद्र को जो है तकरीरों की रात बना देना, इसमें हमारे यहाँ जो हो रहा है उसकी गुंजाइश नहीं। गोया खुलासा ये हुआ कि असल ये है कि अल्लाह के रसूल जो इबादत करते थे वही इबादत हम भी करें। अब कहीं इबादत में ताउन के तौर पे कहीं थोड़ी सी तकरीर गोया करनी पड़ी, दो पाँच मिनट की, दस मिनट की, कोई एक बयान हो गया मुख्तसर सा, तो गोया उसकी एक गुंजाइश सी मौजूद है, लेकिन जो उसको तकरीरों की रात बनाते हैं इसकी कोई गुंजाइश नहीं। बल्कि वो जो गुंजाइश भी है वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में उसका जिक्र नहीं है, सहाबा के अमाल में उसका भी जिक्र नहीं है, तो इसको छोड़ ही दें तो ये ज़्यादा अच्छा है। किसी मजलिस में एक अहम बात मैंने ये जिक्र की थी कि इबादत का उसकी हैअत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुआफिक होना चाहिए, उसकी कैफियत में। अब वो कैफियत हम तलाश करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, क्या हमें इबादत की वो कैफियत मिलती है जिसको हम तकरीरों के जरिए से हम कर रहे हैं? जी, वो कैफियत नहीं मिलती है। सिर्फ तकरीर का ही मसला नहीं, पूरी पूरी रात नाते पढ़ने में गुजर जाती है, वो तो उसमें कोई मतलब नाते भी ऐसी होती है कि उनको सुनने या पढ़ने में कोई सवाब का काम नहीं होता, इबादत जी बिल्कुल। इसलिए तो वो एकदम नफ्स की लज्जत वाला मामला बन जाता है। एक ये भी रहता है कि भाई क्योंकि कुरान की रात है तो कुरान की तफसीर कर लें बैठ करके, तो वो एक गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन ये पूरी पूरी रात जो तकरीरें होती हैं, चंदे होते हैं वो भी बहुत बड़ा मसला है कि चंदा करने वाले जो पूरी पूरी रात रसीद काटते हैं, और ये रहता है कि ये भी एक इबादत है, तो ये चंदा करने वाली रात नहीं है। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया लैलतुल क़द्र के हवाले से उसके फ़ज़ाइल क्या हैं और उसके अहकामात क्या हैं और उसमें हमें करना क्या चाहिए। आप सुन रहे होंगे और सुनते ही आप ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व ताला जो आखिरी अशरा है हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की तरह पूरे इस आखिरी अशरे में, इसके दिन में भी और इसकी रातों में भी, वो तमाम इबादतें जो रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर मशरू हैं वो सब इनमें करेंगे और लैलतुल क़द्र का एहतमाम करेंगे। और बतौर ख़ास जो आखिर में तकरीरों का जो मसला आ गया, तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि यह तकरीरों से हम इज्तनाब करें, इल्ला ये कि कहीं थोड़ी मोड़ी बात आ गई तो उसकी गुंजाइश है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।